नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा 2021 कला और चैप्टर का नाम है प्रभाववाद, नव प्रभाववाद एवं उत्तर प्रभाववाद, प्रैक्टिस सेट 31 है ये। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इसे पिछला प्रैक्टिस सेट 30 तक वीडियो चाहिए तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है यूपी टीजीटी कला के नाम से, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से भी पिछला प्रैक्टिस सेट 30 तक आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, रुएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकार में से किससे संबंधित है? तो रुएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकार में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? क्लाड मोने से। इसका आंसर होगा ए, क्लाड मोने से। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? यानी किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो ये विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था, जिसका नाम था तुलु लात्रेक। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभाववाद का जनक कलाकार था, प्रभाववाद का जनक कलाकार था, तो प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? दिया है रेनवार, डेगा, सेजा या क्लाड मोने। इसमें आंसर होगा डी, क्लाड मोने। कौन था? क्लाड मोने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सनराइज इम्प्रेस का चित्रकार कौन था? सनराइज इम्प्रेस का चित्रकार कौन था? तो इसका चित्रकार था क्लाड मोने। इसमें भी आंसर होगा ए, क्लाड मोने। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोने के किस चित्रकार के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो ये नाम पड़ा था सूर्योदय का प्रभाव। सी आंसर होगा इसमें, सूर्योदय का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को या माने को या डेगा को या रेनवार को? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, मोने को। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? अब इसमें दिया है ऑप्शन एटुआर्ड गागे, क्लाड मोने, वान गाग, डेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, क्लाड मोने। सूर्योदय का प्रभाव जो है किस कलाकार की कृति है? क्लाड मोने का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो उस चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इसमें देखिए दिया है, टर्नर, कांस्टेबल, मिले, गोया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टर्नर। कौन था? टर्नर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लाड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? क्लाड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो क्लाड मोने जो है किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो ये चित्रकार थे किसके? प्रभाववाद के। इसमें आंसर होगा ए, प्रभाववाद के। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? दी फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है?
दिया है इसमें यूजीन देलाका का या कांस्टेबल का या टर्नर का या टीटी रेंटो का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसका है? टर्नर का। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? टर्नर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए, अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल, मोने या माने। इसमें आंसर हो जाएगा सी, मोने। वाटर लिली नामक पेंटिंग जो श्रृंखला थी किसके द्वारा बनाई गई थी? मोने के द्वारा, क्लाड मोने इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है तो ये है टर्नर। इसमें आंसर हो जाएगा सी, टर्नर। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, टर्नर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है, तो ये कलाकार का नाम क्या है? घास का ढेर। तो उस कलाकार का नाम है, देखिए दिया है, माने, मोने, पिकासो, डेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मोने, बी आंसर होगा मोने, यानी क्लाड मोने पूरा नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 14 है, टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? टर्नर जो है किस वाद के कलाकार हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, प्रभाववाद, अभियंजनावाद, यथार्थवाद या अत्य यथार्थवाद। इसमें आंसर हो जाएगा ए, प्रभाववाद। इन टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो प्रभाववाद के ये कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? यहाँ दिया है प्रिंट मेकिंग के लिए या भूदृश्य चित्रकार के लिए या मुखाकृति चित्रकार के लिए या मूर्तिकार के लिए। तो टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? भूदृश्य चित्रकार के लिए। किसके लिए? भूदृश्य चित्रकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है? तो इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है कांस्टेबल। इसमें आंसर हो जाएगा बी, कौन है? कांस्टेबल। इंग्लैंड के प्रमुख इसमें पूछा है भूदृश्य चित्रकार का नाम है कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? ऑप्शन दिया है इसमें, बारदे, क्लाड, टर्नर, पूंसा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टर्नर। यानी लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? टर्नर ने बनाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो प्रसिद्ध महिला है और प्रभाववादी भी कलाकार हैं। ऑप्शन दिया, एडवर्ड ली, मेरी कैसेट, कैसेट मूर या ब्रुक शील्ड। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी कैसेट, मेरी कैसेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम है जॉन कांस्टेबल। इसमें आंसर होगा ए, जॉन कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है जो भारतीय कलाकार हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, रवि वर्मा, राम किंकर, रणवीर सिंह विष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा राम किंकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंगर्स एट द बार, सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? ये कलाकार का नाम है डेगा। इसमें आंसर होगा ए, डेगा। पूरा नाम था इनका एडगर डेगा, इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो इसमें दिया है आकारवादी का है या घनवादी का है या रंगवादी का है या प्रभाववादी का है। इसमें आंसर हो जाएगा डी, प्रभाववादी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो इन कलाकार का नाम है डेगा। इसमें आंसर होगा डी, डेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है प्रभाववाद आंदोलन से संबंधित है, प्रभाववाद कला आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है, बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो उस कलाकार का नाम है डेगा। डी आंसर होगा, क्या नाम है? डेगा। पूरा नाम इनका है एडगर डेगा, एडगर ऐसे भी दे देगा, डेगा ना देकर, तो एडगर डेगा इनका पूरा नाम है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।